महाराष्ट्र सरकार ने इस साल बाढ़ और भारी बारिश से बेहाल किसानों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला किया है। सरकार ने उन्हें मुआवजा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया है। राज्य कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में किसानों की मदद को लेकर यह अहम फैसला लिया गया है। सरकार ने बताया है कि जून से अक्टूबर 2021 तक राज्य में भारी बारिश और बाढ़ ने 55 लाख हेक्टेयर से अधिक फसलों को नुकसान पहुंचाया है। इसलिए अगर किसान को मुआवजा नहीं मिला तो किसान बर्बाद हो जाएंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और लोक निर्माण मंत्री अशोक चव्हाण ने कैबिनेट की बैठक में घोषणा की कि बाढ़ पीड़ितों के लिए 10,000 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएं। राज्य में जून से अक्टूबर 2021 तक भारी बारिश हुई है। मराठवाड़ा सहित कई जिलों में सोयाबीन, कपास, गन्ना, मक्का एवं बागवानी फसलों में खास तौर पर प्याज को भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में राज्य सरकार पीड़ितों की मदद के लिए आगे आई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमने इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को NDRF मानदंडों की प्रतीक्षा किए बिना 10,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा करने का फैसला किया है। वहीं जान लेते हैं कि कितना मुआवजा मिलेगा। कृषि फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, बागवानी फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, बारहमासी फसलों की क्षतिपूर्ति के लिए प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपए और यह सहायता 2 हेक्टेयर तक सीमित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।